Hey guys, welcome back to Shikha classes. This is Swarn Shikha and this is Shambhavi. Today the chapter we are going to tell you is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. ये चैप्टर 9th क्लास में है. 9th क्लास का जो बुक है बीहाइव उसका चैप्टर है. और इससे पहले के चैप्टर में स्टार्ट करूं, मैं आपको कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूं. शी बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, मीन शी वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड. और वो एक मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. जब वो 19 ईयर्स की थी तब वो इंग्लैंड चली गई थी और वहां पर उनकी मुलाकात फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स वर्जीनिया वुल्फ और डीएच लॉरेंस से हुई. वहीं पे उन्होंने काफी कुछ, और वो लिखती बहुत अच्छा थी, शी वॉज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, बट शी वॉज इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड शी डाइड एट अ यंग एज ऑफ 34. सिर्फ 34 ईयर्स की थी जब उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई. ये स्टोरी है जिसमें कि वो एक बतलाती है, जो हर घर में हर बच्चा या बच्ची अपने आप को रिलेट कर सकता है इस स्टोरी से, कि एक बच्ची है जो कि अपने पापा से बहुत डरती है, लेकिन वन डे शी रियलाइजेस कि उसके पापा एक्चुअली उतने भी बुरे नहीं है, वो बहुत उससे प्यार करते हैं, जस्ट वो उनको गलत समझती थी. और ऐसा शायद हर बच्चे के साथ होता है कि हम एट सम पॉइंट इन टाइम हम अपने माँ बाप को गलत समझते हैं, पर बड़े होने के बाद हम ये रियलाइज करते हैं दैट नो दे वर राइट वी वर रॉन्ग. अब स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो बतला देती हूँ. द फर्स्ट वन इज रेस्ट. रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, टू बी सैड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक मतलब एज, किनारे. तो यहाँ पे वो जो फादर है उस बच्ची के, केजिया के, वो कहते हैं कि तुम इस तरह से फेस मत बनाओ एज इफ यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि तुमको इतनी समस्या है कि तुम मरने वाली. डोंट मेक सच फेसेस. And then the third one is pincushion. Pincushion एक 3 to 5 centimeter के radius का छोटा सा cushion होता है, जिसमें pins को खोस के organized way में रखने के लिए use किया जाता है. इसमें जो pins होते हैं वो official pins हो सकते हैं, needles हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. The other one is pet. Pet usually pet word से हम लोग पालतू जानवर समझते हैं, but नहीं, pet एक French word से derived है. और usually कोई अगर किसी बच्चे को पेट कह रहा, दैट मींस ही और शी इज ट्राइंग टू टेल दैट व्हाट अ डार्लिंग चाइल्ड, यू आर माय डार्लिंग चाइल्ड. दैट मींस यहाँ पे पेट का वही सेंस है स्टोरी में जो यूज हुआ है. देन अदर वन इज टैग, टीएजी टैग. टैग का यहाँ पे मतलब है जो हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं पकड़ा पकड़ी का गेम, छुआ छुई का गेम, तो वही है यहाँ पे टैग. द अदर वर्ड इज होज, एच ओ एस ई. होज एक ट्यूब लाइक, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज करते हैं या फिर आग बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है. नाउ लेट अस गिव यू द एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द फर्स्ट वन इज द लिटिल गर्ल हुज नेम इज केजिया, एंड द सेकेंड वन इज हर मदर, थर्ड वन हर फादर, फोर्थ वन हर ग्रैंड मदर, एंड फिफ्थ वन इज एलिस who is the cook of the house. And there is also a short introduction about McDonald's, who is their neighbor. And he has 5 children. And his youngest child, the name of his youngest child is Mao. Now let's begin the story in a very sequence manner. So first of all, story is tarah se shuru hoti hai ki ek choti si bachi rehti hai jo ki apne papa se bahut hi zyada darti hai. हर रोज सुबह उसके पापा ऑफिस जाने से पहले, बाहर काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते हैं उसको शायद गुड बाय कहने, और वो एक कैजुअली उनको एक किस दे देती है, लेकिन वो उनसे बहुत घबराती है. वो जो जब उनकी कैरिज, उनकी गाड़ी जाते रहती है और उसका धुंधला होता हुआ आवाज वो सुनती है, तो वो समझ जाती है कि अब गाड़ी उनकी कैरिज दूर जा रही है, तो वो बहुत रिलीव्ड फील करती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है, खुश हो जाती है. और शाम में जब उसके पापा आते हैं तो वो कैसे समझती है, वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती है, उसको जोर से आवाज आती है, उसके पापा बोलते हैं कि कोई ड्राइंग रूम में चाय लेके आओ, आज का पेपर नहीं आया क्या अभी तक. और फिर उसके पापा अपनी माँ से, यानी केजिया की दादी से कहते हैं कि प्लीज मेरे स्लीपर्स ले आइए. फिर केजिया की माँ उससे कहती है कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ, अपने पापा के बूट्स खोल लो. केजिया धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है और वो बहुत घबराई हुई रहती है अपने पापा को देख के. उसके पापा बोलते हैं आओ जल्दी से जूते फटाफट खोलो, और तुम आज अच्छी लड़की थी ना, तो वो बहुत स्टैगर करके बोलती है. किस तरह बोलती है,
I don't know, Papa. बहुत घबराहट से लड़खड़ाते हुए बोलती है. एक्चुअली क्या कि केजिया किसी के सामने भी इस तरह से हकलाती नहीं है, पर वो अपने पापा के सामने एकदम परफेक्टली बोलना चाहती है और इस वजह से वो इतना ओवर कॉन्शियस हो जाती है कि वो हकलाना शुरू कर देती है. उसके पापा बोलते कि अगर तुम इस तरह से बोली हो तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी. ऐसे बीमार जैसे नहीं करो. और क्या ये दुखी जैसा चेहरा बना के रखा है, थोड़ा सा खुश रहो. और फिर उसके पापा अपनी माँ से यानी केजिया की दादी से कहते हैं कि माँ इसको कुछ सिखाओ, ये इस तरह से ऐसा चेहरा बनाए जैसे कि लगता है कि इसको इतना दुख है कि सुसाइड करने वाली है. अब ऐसा प्लीज वो कहो खुशी से रहेगी. और वो बहुत ज्यादा बच्ची जो वो घबरा जाती है और अपने पापा को जब भी देखती है उनके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े गर्दन और खास करके जब वो यॉनिंग करते YAWN यॉन मतलब जमाई लेना, तो उनका मुंह इतना बड़ा हो जाता है. जब वो अकेले में उनके बारे में सोचती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी जायंट, किसी बहुत बड़े सुपर ह्यूमन के बारे में सोच रही है. वो बहुत घबरा जाती है और फिर उसके पापा उससे कहते भी कि चलो अब चाय का कप संभाल के टेबल पे रख दो. जब कप खाली हो जाती है, संडे को दोपहर में अक्सर केजिया की दादी उसको भेज देती है कि जाओ ड्राइंग रूम में मम्मी पापा के पास, अपने फादर और मदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो. वो जरूर जाती है लेकिन वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही रहता है. उसके पापा सोफा पे ऐसे लेटे रहते हैं, अपना पैर कुशन के ऊपर रख के और अपना सर ऐसे रख के और उसके ऊपर एक रुमाल से ढके रहते हैं और उसकी माँ किताब पढ़ते रहती है और ये चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाती है. एंड शी स्टेयर्स हर फादर, अपने पापा को घूर के देखती है. तब तक देखते रहती है जब तक उसके पापा ऐसे उठ जाते हैं और उसको बोलते हैं केजिया डोंट लुक लाइक दिस. इस तरह जब तुम देखते हो तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की आउल लगती हो, उल्लू दिखती हो. फिर एक दिन क्या होता है कि उसको ठंडी रहती है, बाहर ठंड रहती है, उसको सर्दी भी हल्की रहती है, तो उसको घर पे रहने के लिए कहा जाता है. और तभी उसकी दादी उससे ये बात कहती है कि अगले वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे है. और वो बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अपने पापा के लिए एक पिन कुशन तैयार करेंगे और येलो कलर के सिल्क से. और वो एक डबल मोटा सा कॉटन का एक लेयर लेती है, तीन साइड से उसको सिलती है और फिर सोचती है कि इसके अंदर आखिर क्या भरा जाए. फिर उसको दिमाग में ख्याल आता है क्या जाए, कहाँ जाए, तो अपने पापा और मम्मी के रूम में, फादर और मदर के रूम में जाती है. वहां पे देखती है कुछ स्क्रैप्स खोजते रहती है, कुछ सोचती है कुछ फालतू चीज, यूजलेस चीज होगी तो मैं उसे उठा के डाल दूंगी. तो उसको वहां पे कुछ पेपर्स मिलते हैं, वो पेपर को उठाती है, उसको एकदम पीस पीस में काट के उसमें भर के चौथा साइड भी सिल देती है. उस दिन शाम में बहुत कुछ चिल्लाने की, गुस्से की चिल्लाने की आवाज आती है उसके पापा की. वो घबरा जाती है और सारे नौकरों से पूछा जाता है कि उन लोगों ने तो कहीं कागज नहीं हटा दिए. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहता है जो उसके फादर ने प्रिपेयर किया रहता है फॉर पोर्ट अथॉरिटी, वो एक स्पीच रहता है फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, वो खो जाता है. इस वजह से वो चिल्ला रहे होते हैं. तभी केजिया की माँ को ख्याल आता है और वो जाकर के केजिया से पूछती है उसके रूम में कि कहीं तुमने तो हमारे कमरे से कोई कागज नहीं हटाया. तो केजिया बहुत एक्साइटेड होकर के हंस करके बोलती है कि अरे हाँ, मैंने ही तो कुछ पेपर्स लिए थे, उसको काट करके मैं पापा के लिए पिन कुशन बना रही थी, उसमें डाल दिया. उसकी माँ गुस्से से केजिया का हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाती है और नीचे ला के उसके पापा को बता देती है. उसके पापा गुस्से में पूछते क्या तुमने ये सब कुछ किया है. वो कहती नो, मैंने नहीं किया है. फिर उसके पापा गुस्से में, उसकी माँ गुस्से में, और बोलती जाओ जाकर के वो कुशन लेके आओ. और वो उस कुशन में रहता है, ऑफकोर्स वो कागज के टुकड़े रहते हैं. और केजिया बहुत डरे सहमे से बचते हुए अपने रूम में चली जाती है, नाइट ड्रेस में रहती है. और तभी उसके पापा गुस्से से आते हैं और बोलते हैं, वो छुपती रहती है अपने नाइट क्लोथ्स में. और तभी उसके पापा बोलते चलो अपना हाथ निकालो और उसके दोनों पिंक सॉफ्ट हैंड्स पे रूलर से, स्केल से वो ऐसे मारते हैं. केजिया बहुत डर जाती है उस दिन से अपने पापा से. और तब फिर उसकी दादी आती हैं, उसको शॉल से लपेटती हैं और उसको रॉकिंग चेयर, जो चेयर से झूलता है, उस पर लेटा देती है. वो बहुत घबराई रहती है और अपने दादी के सॉफ्ट बॉडी को ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है आखिर भगवान ने पापा बनाए ही क्यों. उसकी दादी समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, तुम्हारे पापा अपसेट थे, परेशान थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत से लिखा हुआ स्पीच तुमने खराब कर दिया इस वजह से. लेकिन फिर भी वो बहुत डरी रहती है और अगले दिन भी वो इस बात को नहीं भूलती है.
जब अगले दिन वो अपने पापा को देखती है तो वो अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे छुपा लेती है ताकि उसके पापा उससे उसको फिर से ना मारे, क्योंकि उसके पापा उसको यहीं पे मारे होते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो देखती है अपने घर के फेंस के थ्रू, मतलब घर का जो बाउंड्री होता है उसके छेद के थ्रू, कि बगल में जो मैकडोनल्ड्स हैं वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जो सबसे बेटा छोटा बेटा है माओ वो उनके कंधे पर बैठा है, और जो दो बेटियां हैं वो उनके कोट के पॉकेट से पकड़ के लटक रही हैं, और जो दो बेटे हैं वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो लोग गेम ऑफ टैग खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। और एक बेटा क्या करता है, होज को, मतलब वो वाटरिंग करने के जो पाइप है उसको उनके तरफ घुमा देता है, तो वो ऐसे हंसते हुए दौड़ के जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तब केजिया ये रियलाइज करती है कि नहीं, पापा अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ पापा अच्छे भी होते हैं और कुछ पापा बुरे भी होते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि केजिया की माँ का तबीयत बहुत खराब हो जाता है और उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल चली जाती हैं। एलिस सिर्फ जो कुक है वो सिर्फ घर पे रहता है, तो दिन में सब कुछ ठीक था, वो बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन जब रात में एलिस उसको नाइट ड्रेस पहना करके सुलाने के लिए जाता है, उस वक्त वो बहुत घबरा जाती है, डर जाती है और बोलती है कि मैं अकेले कैसे सोऊंगी, मुझे तो रात में नाइटमेयर्स आते हैं, नाइटमेयर मींस बुरे सपने आते हैं। एलिस बोलता है कि नहीं नहीं तुम शांति से सो जाना, तो बोलती नहीं आज दादी भी नहीं है, मुझे डर लगता है तो मैं दादी के बेड पे चली जाती हूँ, आज मैं क्या करूँगी। एलिस फिर भी उसको समझाता है कि नहीं नहीं तुम रो मत, तुम सो जाओ ठीक से, और रात में सुनो रो के अपने पापा को डिस्टर्ब मत करना। पर वही होता है, वो रात में सो तो जाती है पर उसको बुरा सपना आता है, और वो घबरा के किस तरह से उठ जाती है, और बोलती है बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। बुचर कहते हैं कसाई को जो मीट वगैरह काटता है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस काम, एक क्रूएल काम लगता है, तो वो बहुत घबरा जाती है कि उसका, और चाकू भी उन लोगों का बहुत बड़ा होता है कि वो एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ रोप के साथ आया वो मुझे मार देगा, और घबरा के उठ जाती है। तभी वो देखती है क्या कि उसके पापा बगल में खड़े हैं कैंडल लिए हुए। वो कहती है कि मुझे दादी चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे दादी चाहिए। उसके पापा कैंडल को फूंक के रख देते हैं और उसको गोद में उठा के अपने रूम में ले जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि उसके पापा चूंकि अकेले रहते हैं उस वक्त, तो उनके बेड पे न्यूज़पेपर फेंका रहता है, क्योंकि उसके पापा को न्यूज़पेपर पढ़ने की काफी आदत रहती है, वो जब आते हैं अपने वर्क से शाम में तो भी वो सबसे पहले न्यूज़पेपर ही मांगते हैं पढ़ने के लिए, तो बेड पे न्यूज़पेपर रहता है और एक सिगार रहता है स्मोक करने के लिए, जैसे सिगरेट होता वैसा एक टाइप का चीज होता है सिगार, वो आधा उनके स्टडी टेबल पे रीडिंग टेबल पे पड़ा रहता है। वो सिगार को लेते हैं और जो फायर प्लेस है, मतलब जो ठंडा मुल्क होता है, जो ठंडे जगह होते हैं जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है, तो वहाँ रूम के कोने में एक गड्ढा जैसा हल्का बना होता है और वहाँ पर आग जलते रहता है, तो सिर्फ उसको फायर प्लेस कहते हैं। तो वहीं पर वो उस सिगार को डाल देते हैं, न्यूज़पेपर को हटाते हैं और अपनी बेटी केजिया को बेड पे अच्छे से सुला देते हैं और बगल में सो जाते हैं और कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम आराम से सो। केजिया के दिमाग में अभी भी उस बुचर उस कसाई का ऐसे हंसता हुआ चेहरा है, और वो अपने पापा के हाथ को जोर से पकड़ लेती है, उनके शर्ट को पकड़ लेती है, हाथ के नीचे अपना सर रख लेती है और थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारा पैर बहुत ठंडा है, तुम मेरे पैर पे रगड़ लो तो तुम्हारा पैर भी गर्म हो जाएगा, और उसको बहुत प्यार से सुलाते हैं। पापा थके रहते हैं, उनको तुरंत नींद आ जाती है, पर केजिया हल्की हल्की नींद में रहती है, पूरा सोती नहीं है। और तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं, पापा तो बहुत अच्छे हैं, उतने भी बुरे नहीं हैं, उस दिन मैंने उनका मेहनत से लिखा हुआ इम्पोर्टेंट स्पीच फाड़ दिया था, इस वजह से शायद वो बहुत गुस्सा हुए थे, पर वो कितने अच्छे और काम करके आते, बहुत थके भी होते हैं। और तब ये उनको और भी क्लोजली, उनको टाइटली पकड़ लेती है। ये सब वो सोचती रहती तब तक उसके पापा का फिर से नींद खो जाता और वो बोलते हैं कि तुमको डर लग रहा है, फिर से कोई सपना देखी, तुम उठी हो अभी तक। वो बोलती है कि नहीं नहीं पापा, मैं आपके दिल के पास सोई हूँ ना, तो आपकी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट से, वो मुझे सुनाई दे रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि आपका दिल कितना बड़ा है। और ऐसा कहते ही स्टोरी फिनिश हो जाती है। होप आपको हम लोगों का ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे ही स्टोरीज डालती रहूं। अभी ये 9th का स्टोरी है, फिर 10th, 11th, 12th, उसके बाद अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हो तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर समय जितने भी वीडियोस चाहिए आप बताइए, मैं उन सभी पे धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगी।
और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना मत भूलिएगा, और नीचे एक साइंस की चैनल का भी लिंक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, थैंक यू, बाय।